अपने कैरेक्टर पे थोड़ा सा काम करना। ये कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है आजकल की तुम्हारी जो पीढ़ी है, बहुत लोगों को लगता है कि कैरेक्टर की भी क्या इतनी कोई ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है बेटा, जब एक एज क्रॉस कर जाओगे ना 35 से ऊपर, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैरेक्टर की बराबरी कभी भी किसी भी चीज़ से आप कर ही नहीं पाओगे। अगर खूब पैसा है, खूब धनी हो और चरित्रवान नहीं है ना, तो फिर उनका घर परिवार और ये सब बिखर जाता है। अगली पीढ़ी को जो हम देके जाएंगे ना, वो घर और दौलत नहीं है, वो उनको चरित्र, उनका एक जो था बैलेंस्ड पर्सनालिटी, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम अगली पीढ़ी को देंगे। और वो कब देंगे? उदाहरण से आज तक कोई नहीं समझा। जैसे आप हो ना, ऐसी ही आपकी बेटियाँ बनेंगी आगे आने वाले टाइम में। अब जैसे आप हो, ऐसे ही आपके बेटे बनेंगे। अगली पीढ़ी को हम जबान से नहीं सुधार पाएंगे, हमारे रवैये, हमारे व्यवहार, हमारी बॉडी लैंग्वेज का सीधा असर हमारी अगली पीढ़ी पे जाता है। तो इसलिए ना बेटा, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, ईमानदार बनो, जिस काम को कर रहे हो चीटिंग मत करो, क्योंकि वो चीटिंग तुम अपने साथ कर रहे हो। अगर तुम क्लास बंक करते हो, तुम दो क्लास लेके भाग गए, तो किसके साथ चीटिंग है? हमें क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, तुम दो क्लास लो, चार क्लास लो, एक क्लास लो, मत लो। तुमने एडमिशन ले लिया, तुम मत आओ, लेकिन इसका सीधा असर तुम्हारे ऊपर आएगा। ये तुम्हें कोई समझाने वाला भी है नहीं। जब तुमने एडमिशन ले लिया, तो फर्स्ट से लेके लास्ट क्लास जितने बजे तक हो, तुम्हें यहाँ रहना है। ये अपने ऊपर खुद बाउंडेशन लगानी पड़ेगी कि मुझे नहीं भागना, इस भागने से सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान है। यहाँ रह के अगर 5 घंटे की क्लासेस हो, 5 घंटे पढ़ो, कितनी नॉलेज यहाँ रोज़ मिलती है, कितनी चीज़ें यहाँ रोज़ परिमल सर, मैं, सुनील सर, अपनी प्रीति मैम या रीजनिंग वाले सर, हम सब सिखा रहे हैं। हम बेटा लाइफ को ना तुमसे ज़्यादा देख चुके, हमने लाइफ का बहुत लंबा पड़ाव देख लिया और हम जानते हैं क्या ठीक क्या गलत। तो हमारी बातों को ना ऐसे मत लिया करो, कभी टीचर डांट दे, बेइज्जती कर दे, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना। हमें तुमसे क्या लेना है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम लोग पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। हमने तुमसे एक फ़ीस का पोर्शन लिया, उसके बदले में फिर पूरे साल तुम्हें पढ़ाएंगे, पूरे साल तुम लोगों को जितनी चीज़ें तुम इस्तेमाल करोगे उसी पे सारी तुम्हारी फ़ीस हम लोग खर्च कर देते हैं। मेन चीज़ क्या है, सोसाइटी में अच्छे इंसान बने। अब तुम लोग जिस स्टेज पे हो, एक तरफ तो ड्रग्स, कितने लड़के लड़कियां आज इसी टाइम पे ड्रग्स की तरफ भाग रहे हैं। एक तुम लोग हो, बिना मन के ही सही, अगर क्लास में बैठे हो, मैं 100% श्योर हूँ जो बच्चा एक साल तक चाहे आधे मन से क्लास लेता रहे, लेकिन वो पूरे साल अगर यहाँ 5-6 पीरियड पढ़ता रहा, तो तुम देखना एक साल में उसमें बदलाव आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बातें मन पे नहीं लगती, एक एक बात बेटा जो कान में जाती है ना, वो कहीं दिमाग के किसी कोने में और मन के किसी कोने में छप जाती है, और कभी ज़िंदगी में जब मुश्किल हालात आते हैं ना, तो वो बातें याद आती हैं। तो अपनी लाइफ को अच्छा